आर्टिकल नंबर नाइनटीन इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट आर्टिकल नंबर एटीन अभी मैंने फिलहाल नहीं करवाया क्योंकि आर्टिकल नंबर एटीन इज़ रिलेटेड टू द आर्टिकल यू हेव डन ऑलरेडी इन प्रीवियस सेमेस्टर उसका प्रूफ भी काफ़ी उससे मिलता है तो आप ये आर्टिकल इसके सिमिलर जो आपने आर्टिकल पिछले सेमेस्टर में रिमन इंटीग्रेशन में पढ़ा था वो पढ़ लेना उसका एक बार प्रूफ पढ़ोगे तो इसका प्रूफ करवाना मेरे को ईजी हो जाएगा अदरवाइज आई हैव टू डिस्कस ईच एंड एवरी डे अगेन तो आप एक बार पढ़ो नहीं समझ में आ रहा तो मुझे बता देना ठीक है अभी हम आर्टिकल नंबर नाइनटीन करते हैं एफ वन आपको रिमन स्टेटस इंटेग्रबल दिया हुआ है एफ टू भी दिया हुआ है आपको शो करना है कि इनका सम भी होगा और सम का इंटेग्रल अलग अलग इंटेग्रल के सम के इक्वल है ठीक है एफ वन एफ टू दोनों बाउंडेड है इट मीन्स उनका सम भी बाउंडेड है पार्टीशनिंग ले ली तीनों फंक्शन एफ वन एफ टू एफ का इन्फिमम सुप्रीमम ले लिया हमने ठीक है फंक्शन एफ वन का इन्फिमम एम आई डैश एम कैपिटल एम आई डैश इसका इन्फिमम सुप्रीमम है एम आई डबल डैश एम आई डबल डैश और इसका है ये ठीक है अब आपको पता है कि इन दोनों के बीच में रिलेशन होता है सुप्रीमम इनफीम से बड़ा होता है ऑब्वियसली जो दो फंक्शन डिफरेंट हैं जिनका सम करके एफ आ रहा है उनके जो सुप्रीमम्स का सम होएगा वो बड़ा होएगा सिंगल सम से और इन्फिमम जो होगा वो स्मॉल होएगा ये याद रख लो नहीं तो ठीक है नाउ डेल्टा अल्फा से मल्टीप्लाई करो इसको भी इसको भी इसको भी इसको भी, इसको भी. ठीक है और समीशन रन कर दो जब समीशन रन करोगे और समीशन को अलग अलग करोगे जैसे मैं आपको इसका समीशन बता रही हूँ तो आपके पास बनेगा समीशन एम आई डैश डेल्टा अल्फा प्लस समीशन एम आई डबल डैश डेल्टा अल्फाई ये चीज़ आपकी आएगी एल पी एफ वन अल्फ़ा ठीक है और ये चीज़ आएगी एल पी एफ़ टू अल्फ़ा ठीक है दोनों का सब तो लेफ्ट चीज़ ये बन जाएगी सेंटर में इस पर जब डेल्टा अल्फा मल्टीप्लाई करके समेशन लोगे तो एल पी एफ अल्फा ये बन जाएगा यू पी एफ अल्फा ये बन जाएगा यू पी एफ वन अल्फा ये बन जाएगा यू पी एफ़ टू अल्फा ठीक है दोनों रिमन सेल्स इंटेगरेबल नहीं हुआ है तो दोनों पे कंडीशन होल्ड करेगी अब पार्टीशनिंग पी हो जरूरी नहीं है ना तो इसके लिए पी एफ वन के लिए पार्टीशनिंग पी वन ले लो इसके लिए पार्टीशनिंग पी टू ले लो हाँ बाद में दोनों का यूनियन लेके रिफाइनमेंट करके उसका नाम पी दे दो ठीक है अब यू पी एफ अल्फा एल पी एफ अल्फा से शुरू करो क्योंकि आपको अल्टीमेटली फंक्शन एफ फंक्शन एफ क्या है फ़ंक्शन एफ है दोनों का सम आपने शो करना है कि ये रिमन स्टेलजस इंटेग्रेबल है दैट इज़ एफ़ रिमन स्टेल्डस इंटेगरेबल है तो उसकी कंडीशन शो करोगे कंडीशन क्या है यू पी एफ अल्फा माइनस एल पी एफ अल्फा ठीक है और दिस इज़ लेस देन इक्वल्स टू यू पी एफ अल्फा किससे लेस है यू पी एफ अल्फा लेस है इन दोनों के सम से पुट कर दो माइनस एल पी एफ अल्फा अब माइनस लगा हुआ है ना तो माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा लेस देन इक्वल्स टू माइनस ऑफ दीज टू ठीक है लेस देन इक्वल्स टू माइनस ऑफ दीज टू ठीक है ये और ये मिलके लेस देन अफ सैलम बाई टू ये और ये मिलके लेस देन अफ सैलम बाई टू फ्रॉम हेयर ठीक है अल्टीमेटली सैलन से लेसम बन गया ना तो रिमन स्टेलिस हो गया तो फर्स्ट पार्ट शो हो गया कि एफ जो है आपका Uh, जो सम है जो आपका जिसको एफ बोल सकते हैं रिमन स्टेलडस इंटेग्रेबल है फर्दर आपको शो करना है दैट दिस इंटेग्रल इज इक्वल टू सम ऑफ़ द टू इंटेग्रल्स उसके लिए देखो हमने अपर सम की और लोअर सम की डेफिनेशन रिकॉल करनी है अपर सम की डेफिनेशन होती है कि आपका जो अपर इंटेग्रल होता है आपका जो वो इक्वल होता है जी एल बी जी एल बी ऑफ यू पी एफ है ना तो जी एल बी मतलब लोअर बाउंड तो उसमें अगर आप तुम कुछ ऐड कर दोगे तो वो लोअर बाउंड नहीं रहेगा अगेन ये डेफिनेशन बहुत बार डिस्कस कर रही हुई है मैंने तो उसमें मैंने अब सैलम बाई टू ऐड कर दिया तो वो लोअर बाउंड नहीं रहेगा मतलब वो बड़ा बन जाएगा सेट के किसी एक वैल्यू से सेट की कोई एक वैल्यू लेनी है आपने तो आप ले लो यू पी वन एफ वन अल्फ़ा सिमिलरली इस पर भी ये डेफिनेशन लगाओ ये प्रूफ आपने करा हुआ है रिमन इंटीग्रेशन में तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रही हूँ इट्स काइंड ऑफ अ रिपीट तो अभी जो थ्योरम्स चल रही हैं वो बिल्कुल रिपीट ही चल रही हैं थोड़ा बहुत फ़र्क ही चल रहा है रिमन स्टाइलस और रिमन इंटीग्रेशन में तो ऑलमोस्ट सेम ही है प्रूफ अगर आपने उस टाइम पे मेहनत करी थी चैप्टर में तो आपको अभी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है और इनफैक्ट इसके चैप्टर के वन जीरो टू पेज के बाद जितनी भी थियोरम्स हैं फर्स्ट मीन वैल्यू थियोरम वो है ही सारी रिमन इंटीग्रेशन की है तो वो भी आपने खुद ही करना है ठीक है ना सो so वन पेज ऑनवर्ड्स वन जीरो टू पेज ऑनवर्ड्स डू योर सेल्फ अभी इसी में बता रही हूँ मैं ठीक है ना तो ये यूनियन लेके रिफाइनमेंट ले ली ठीक है दोनों पी वन पी टू को रिफाइनमेंट से रिप्लेस कर दिया सिंपल इंटेग्रल इज लेस देन इक्वल्स टू आपको पता यू पी एफ होता है ये इन दोनों के सम से लेस है ये फोदो लेस है ओके सो यहाँ पर मिस्टेक थी तो ये फोदो लेस है दिस प्लस अपसेलम बाई टू से एंड ये फोदो लेस है इंटेग्रल प्लस इंटैग्रल ऑफ एफ टू प्लस अपसेलन बाई टू से इन दोनों का सम बन गया अपसेलन बट अपसेलन इज आर्बिटरी स्मॉल नंबर यू कैन निगलेक्ट इट सो दिस इंटेग्रल इज़ लेस दैन इक्वल्स टू दिस टू इंटेग्रल्स अब क्या करो एफ वन को रिप्लेस कर दो माइनस एफ वन से एफ टू को रिप्लेस कर दो माइनस एफ टू से तो आपका रिजल्ट उल्टा हो जाएगा क्योंकि माइनस साइन दोनों साइड पर कैंसिल हो जाएगाट इन इक्वालिटी जो है वो इन इक्वालिटी जो है वो चेंज हो जाएगी तो अब दोनों रिजल्ट को कंबाइन करके आप देख रहे हैं यहाँ पर इन इक्वालिटी का साइन इधर को है यहाँ पर इनक्वालिटी का साइन इधर को है दैट मीज ये दोनों क्वान्टिटीज आपस में इक्वल है हेन्डस प्रूफ्ड